ऐसे रास्तों को भी वो बता रहा है जिन रास्तों पे पैदल जाना है, उस रास्तों पे भी गाड़ी लेके जा रहा है वो। मैप मतलब सामने देख लो हिमालय की भाई ऊंची ऊंची जो श्रृंखलाएं हैं ना, जिनको मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, वो आज जाके देखी मेरे को कहीं जाके। तो जी भैया अपनी चाय बन चुकी है और भाई अपनी पी रहे हैं सुबह वाली चाय, क्योंकि मॉर्निंग में भाई हम किसी होटल में तो रुके नहीं थे, हम रुके थे अपनी इको में। और भाई वहाँ पे पार्किंग में तो भाई गैस वगैरह जलाना अलाउ था नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा यार थोड़ा सा टाइम से निकल लेते हैं और कसार देवी के पास में ही जंगल में जाके मस्त करके वहाँ चाय बनाएंगे और उसका चाय। तो दोस्तों जैसे कि कसार देवी का जो एरिया है ना, इस एरिया को स्वामी विवेकानंद जी की वजह से ही जाना जाता है, और मैं आज आपको वो चमत्कारी गुफा या फिर वो चमत्कारी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करी थी, मेडिटेशन किया था। तो सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल की लोकेशन की तरह आज भी मैं उसी लोकेशन पर हूँ जहाँ पे मैं कल था, क्योंकि भाई ये सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका है अल्मोड़ा में रहने का। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो 120 रुपये चार्ज है इस पार्किंग का, और इस पार्किंग में भैया हमने ना यहीं पे अपने ही क्या बोलते हैं होटल की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि अपने साथ चूल्हा वगैरह सब कुछ लेके आए थे। तो ऐसे करके ना हम लोगों ने मतलब अपना सबसे सस्ते बजट में सोया, मतलब एक दिन में मिनिमम नहीं भी तो अगर हम किसी भी सस्ते से सस्ते होटल में भी जाएंगे ना, हमारा 500 रुपये का खर्चा होना ही होना है। 500 रुपये से कम में भी कहीं पे भी होटल नहीं मिलते। तो हमने मतलब दो दिन हम लोग यहाँ पे रुके हैं, तो इट मीन्स हमने 1000 रुपीज़ अपने बचा लिए हैं इस ट्रैवल में। तो ऐसा बजट मतलब ऐसा ट्रैवल करना चाहिए कि पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आप बढ़िया तरह से घूम भी लो और इन्जॉय भी कर लो। और हम सच में, और आज का जो अपना प्लान है वो कसार देवी का, तो हम सबसे पहले जाएंगे कसार देवी, और कसार देवी में माता रानी के दर्शन करेंगे और वहाँ के बारे में आपको बढ़िया तरीके से डिटेल बताएंगे कि क्या है कसार देवी में और क्या यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कसार देवी के बारे में। तो जिसने भी अभी तक ना भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, तभी आपको मालूम चलेगा कसार देवी में क्या है क्या नहीं है और कसार देवी कैसा है, आपके घूमने लायक है कि नहीं है। आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो भैया कसार देवी आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिलहाल वीडियो पर बने रहना, फिलहाल अभी हम लोग तैयारी करते हैं निकलने की, और भैया को थोड़ा उठा देता हूँ। और मनोज भैया उठो, चलते हैं अब घर जाके सोना। मजा आ गया सोने में, नींद अच्छी आई ना? हाँ, कंफर्ट। हाँ, नींद तो बढ़िया आई। तो भाई अब करते हैं इस पार्किंग को अलविदा और निकलते हैं हम लोग कसार देवी के लिए। तो भाई ये देखो इतनी खतरनाक पार्किंग, ऊपर बाइक है सारी, एक आध कारें हैं, बाकी नीचे तो पूरी कार की है। भाई साहब पार्किंग के बाहर ना हम लोग ऐसे फंस गए हैं, 15-20 मिनट हो गए हमको यहाँ पे फंसे हुए। भाई ट्रैफिक इतना खतरनाक हो रहा है ना। फाइनली भैया ट्रैफिक खुल गया है, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से आगे को। ट्रैफिक खुला गया, अपने को जगह मिल गई है बस रोड में, पीछे तो भाई अभी भी ट्रैफिक है। तो भाई आज हम लोग ना भाई बहुत तगड़ा फंस गए यार, इतना खतरनाक ट्रैफिक लग गया ना, हाँ निकल नहीं पा रहे हम यहाँ से, पता नहीं क्यों इतना जाम लगा हुआ है यार। तो दोस्तों अभी कसार देवी के लिए ना हम लोग गूगल मैप का सहारा लेके चल रहे हैं, तो अभी जो शॉर्टकट था वहाँ से नहीं जा रहे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी यहाँ थोड़ा रास्ता खुल गया है तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो यहाँ से ना कसार देवी लगभग 7 किलोमीटर है, तो मतलब थोड़ा लॉन्ग रूट है बट थोड़ा सा मतलब साफ़ है, क्योंकि जो जिस शॉर्टकट से हम जाने वाले थे वो मेन मार्केट से होते हुए जाता है और वन वे था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पर। तो बाहर के नज़ारे देखो भाई, कितना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है पूरा बाहर। अभी ना यार मैं थोड़ा सा इधर आ गया था, पता नहीं मैप ना इतना गंदा बता रहा है, कितना गलत बता रहा है
कि पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मैं सोचता था ना कि पहाड़ों पे मैप गलत नहीं बताते हैं, लेकिन भाई आज पहाड़ों पे भी मैप गलत बताते हैं। मतलब ऐसे रास्तों को भी वो बता रहा है जिन रास्तों पे पैदल जाना है, उस रास्तों पे भी गाड़ी लेके जा रहा है वो मैप। मतलब मैं अभी पता करने के लिए आया पीछे, तो अंकल बोल रहे कि यहाँ से आप चले जाओ। फिर मैंने उनको बोला कि अंकल मैं गाड़ी से हूँ, तो कह रहे नहीं गाड़ी का तो ये रास्ता नहीं है, आप सीधे आगे से निकल जाओ, वो रास्ता गाड़ी के लिए है, ये रास्ता पैदल के लिए। तो भाई पैदल के लिए भी गूगल मैप हमें यही रास्ता दिखा रहा है, बताओ ऐसा हो रहा है। मैप दोस्तों फाइनली भैया धूप आ चुकी है भाई पहाड़ों में, और ऐसा है कुछ यहाँ के जंगलों के नज़ारे। और अभी हम लोग ना 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे कसार देवी में। दूध वगैरह, दूध और चीनी हमने ले लिया है। सबसे पहले ना बैठ के बढ़िया तरीके से चाय बनाई जाएगी, कॉफ़ी। हाँ कॉफ़ी बनाएंगे, हमारे पास चाय के लिए कुछ नहीं है, चाय के लिए कॉफ़ी है हमारे पास। और क्योंकि सुबह से ना कुछ ना खाया ना पिया, मतलब खाया तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पिया भी नहीं क्योंकि चाय की आदत है भाई। सुबह सुबह हम पहाड़ी है, पहाड़ियों को चाय की आदत सबसे पहले होती है, चाय पीते हैं उसके बाद ही भाई दिन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अपनी कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर कसार देवी के दर्शन करेंगे। आप लगाओ उधर कोने में। तो जी शायद से मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है, बट एक रोड जो नीचे जा रहा है, लेकिन मैप हमें दिखा रहा है कि ऊपर कसार देवी को जाता है। और भाई हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह कसार देवी से, लगभग अभी 600 मीटर पीछे हैं हम लोग। और भाई यहाँ से नीचे का आप नज़ारा देख लो, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। मतलब इस सामने देख लो हिमालय की भाई ऊँची ऊँची जो श्रृंखलाएँ हैं ना, जिनको मैं कल से ढूँढ रहा हूँ, वो आज जाके देखी मेरे को कहीं जाके। और भाई देखते ही इतना गजब, इतना मस्त लग रहा है ना, क्योंकि पूरा आसमान एकदम साफ है नीला सा, और नीचे ग्रीनरी और बीच में वाइट वाइट जो श्रृंखलाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो भाई हमने अपनी ईको यहाँ पे खड़ी कर दी है, और अभी हम थोड़ी देर लेते हैं यहाँ के नज़ारे बढ़िया वाले। और तो जी हम लोग पहुँच गए हैं कसार देवी के पास में, और अभी पहले सबसे पहले ना यहाँ पे बैठ के बढ़िया तरीके से कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। और देखो यहाँ भी ना लोगों ने सालगी फैला रखी है, डस्टबिन है यहाँ पे भी ना, यहाँ मैंने आगे देखा था कहीं पे डस्टबिन है पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो देखो वहाँ सामने देख लो पूरी बिस्लरी की बोतल हो गई और पॉलीथीन वगैरह सारी गंदगी। भाई मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप अगर उत्तराखंड में आ रहे हो, आप पहाड़ों की तरफ आ रहे हो, तो भाई इस तरह की गंदगी मत करो, इस तरह की पॉलीथीन वगैरह मत डालो, जिससे भाई हमारे जो पर्यावरण है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिससे हमें ही प्रॉब्लम है बाद में, हमें ही दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल वो देखो सामने है डस्टबिन, उसके बाद भी ना यहाँ इस तरह से गंदगी फैली हुई है। तो फिलहाल अभी हम लोग ना यहाँ पे बैठ के बढ़िया तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं, उसके नहीं साफ़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। चलो जी, और बाकी हमने कहाँ रखा था कॉफ़ी वगैरह, भाई पूरा सामान ना ऐसे बिखरा हुआ है। ये ले ली भाई अपनी चीनी, और ये है दूध, दो हैं। हाँ छोटा। तो जी भैया अपनी चाय बन चुकी है, और भाई अपनी पी रहे हैं सुबह वाली चाय, क्योंकि मॉर्निंग में भाई हम किसी होटल में तो रुके नहीं थे, हम रुके थे अपनी इको में। और भाई वहाँ पे पार्किंग में तो भाई गैस वगैरह जलाना अलाउ था नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा यार थोड़ा सा टाइम से निकल लेते हैं और कसार देवी के पास में ही जंगल में जाके मस्त करके वहाँ चाय बनाएंगे और उसका चाय पी लेंगे वहीं पे। क्योंकि सुबह सुबह ना बिना चाय पिए बड़ा मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। कल भी हमने पूरे दिन भर मतलब पूरा दिन हो गया चाय हम कहीं नहीं पी पाए, और शाम को ही पी हमने चाय। तो चलो कोई नहीं, चाय अपनी हो गई है, चाय पीते हैं, उसके बाद भी फटाफट से निकलते हैं कसार देवी की तरफ।
तो ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये गेट जाता है सीधे कसार देवी की तरफ। तो जी फाइनली पहुंच गए हम भैया कसार देवी माता के मंदिर में, और दर्शन भी करके आ गया हूँ अंदर। लेकिन अंदर कैमरा फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो उसकी वजह से भैया नहीं दिखा सकते। और हर जगह, हर आप धार्मिक स्थलों पे देखते होंगे ना कि कहीं पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो उसी तरह से भैया यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। बाकी इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल अभी जाता हूँ मैं ऊपर सिवा टेम्पल की तरफ। तो ऊपर कसार देवी से ऊपर सिवा टेम्पल है, तो वहाँ जाके वहाँ दर्शन करते हैं। तो जी मैं पहुंच गया हूं शिव मंदिर में, और सामने आप देख रहे हैं वो है कसार देवी का मंदिर। और कसार देवी के मंदिर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप आते हैं तो ये है भोलेनाथ जी को समर्पित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, और ये इसका प्रांगण है भैया मेन। और अभी आपका इसका ना शिवालय दिखाएंगे, और बाकी अभी कसार देवी के बारे में हम नीचे जाके ही आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको शिवालय दिखा के आता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सीधे कसार देवी के मंदिर की तरफ, जो कि आप मेरे ठीक सामने देख रहे होंगे। तो यहाँ से आप शिवालय की तरफ जा सकते हो नीचे को। तो दूसरे वाले मंदिर पर आए। तो भाई साहब ये है सामने शिवालय, और यहाँ पे ना भाई काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी शांति है, काफ़ी ठंडा इलाका है, एरिया ठंडा है, लेकिन धूप आ रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा गर्म लग रहा है बाकी भी। तो दोस्तों ये है सामने कसार देवी का मंदिर, और ये जो मंदिर के पीछे आप देख रहे हैं ना, ये गुफा है, गुफा से माता निकली हैं। और मंदिर और जो सामने आप जी, ये तो बाद में खैर बनाया गया है, मंदिर का रूप दिया गया है इसको, लेकिन ये पहले गुफा थी, और गुफा में माता रानी निकली थी, जो कसार देवी हैं वो यहाँ निकली हुई थी। और तो दोस्तों जैसे कि कसार देवी का जो एरिया है ना, इस एरिया को स्वामी विवेकानंद जी की वजह से ही जाना जाता है। और मैं आज आपको वो चमत्कारी गुफा या फिर वो चमत्कारी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करी थी, मेडिटेशन किया था। तो वो सामने ये गुफा है, तो इस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करी थी। यहाँ तो ऊपर बैठने वाले नहीं शिव जी का। तो जी ये वो गुफा है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करी थी। तो भाई ये आप देख सकते हैं, मैं अभी उसी गुफा के अंदर हूँ। मुझे बिठाने वाला तो भाई ऐसी मतलब जो जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने जहाँ पे साधना करी थी, मैं उस गुफा के अंदर गया था और आप लोगों को दिखाया मैंने वो गुफा। और बाकी कसार देवी आपने देख लिया है, बाकी मैं अभी ये आपको गुफा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से गुफा है, और यहाँ से निकलते हैं अभी बाहर को हम लोग। तो आज भी ना अगर किसी को मेडिटेशन करना होता है तो वो इस जगह पे आता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारी जगह है जिसका खोज अभी भी ना मतलब कई यहाँ पे वैज्ञानिक आए, देश विदेश से वैज्ञानिक आए, लेकिन इसकी खोज ना अभी तक नहीं कर पाए कि यहाँ पे ऐसा क्या चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे जो हमारे शरीर को अपनी ओर खींचता है। तो भाई पास में ही ना एक पॉइंट, सेल्फी पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, अपने पहाड़ का सेल्फी पॉइंट मतलब खाई है। तो वहाँ पे भैया रिस्की है फोटो खींचना, बट फोटो बहुत अच्छी आती भाई। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देख सकते हो कैसी बढ़िया बढ़िया फोटो आ रखी हैं। तो फिलहाल अभी निकलते हैं हम लोग कसार देवी से नीचे की तरफ।
तो जी दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। हम लोग नीचे को अब गाड़ी में जाते हैं और बाकी आपको दर्शन वगैरह बढ़िया तरीके से करा दिया है हमने। अगर आप नवरात्रि में यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ये मंदिर आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो जी हम लोग आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद नीचे को, और अब हम लोग जाने वाले हैं अगली डेस्टिनेशन को। तो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। अगर नेक्स्ट टूर कहाँ का होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।